अरे लॉकडाउन में तो ये है, हमारे जानवरों को चारा नहीं मिला, न दूध हमारा शहर जाने दिया, बहुत ही दिक्कतें पड़ गईं मेरे। 10-10 दिन जानवर खड़े रहे, चारा पानी में नहीं पाए। लोग किसान को दे देते हैं, वही अपने कराते हैं, वही पालते हैं। तो इनको आप प्रेग्नेंट नहीं करते हैं? नहीं नहीं। ऐसा क्यों? अच्छा, परिवार भी बड़ा है तो अपने सोचे कुछ लोग उसमें करेंगे, कुछ लोग इसमें काम करेंगे। हाँ, करेंगे भैंस का ही काम। भैंस का ही काम करेंगे। अच्छा सर, जैसे कि आपके फार्म में 95 जानवर हैं। जी जी। पूरा अच्छे से केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, और लगभग आपके डेयरी फार्म में 5 क्विंटल दूध का उत्पादन होता है। जी जी। तो लगभग कितना आपकी बचत हो जाती है? ताऊ जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं फार्मिंग एजुकेशन हब के, उनको एक छोटा सा परिचय दीजिए, अपना नाम और अपने डेयरी फार्म का एड्रेस पूरा बताइए। कुर्सी रोड पे रहते हैं भैया, मरसंडा गांव पड़ता है जी। और मेरी डेयरी के सामने मेहंदी फार्म के नाम से मेरी डेयरी है। किस नाम से है? मेहंदी फार्म के नाम से। मेहंदी फार्म के नाम से आपका ये डेयरी फार्म है? जी जी। अगर आपका नाम क्या है, आपका शुभ नाम? अजीज नाम है, मोहम्मद अजीज। आप डेयरी फार्मिंग के सेक्टर में कब इन्वॉल्व हुए? ये तो भैया बहुत पुरखों से चल रहा है कारोबार, बाप दादों से चल रहा है। बाप दादों से चल रहा है। जी जी। फिर आपने उनका काम आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाया? जी जी जी। अच्छा जी। हाँ, इसी में मेहनत करते रहे, बहुत अपना काम धीरे धीरे चलाते रहे। अच्छा जी। जैसे देख रहे हैं आपका फार्म ऑन रोड है। जी जी। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब एरिया? एरिया लमसम होगा 30,000 लमसम से। 30,000 कैसे, किस में, गज में होगा? हाँ नहीं, 30,000 स्क्वायर फीट होगा लमसम। 30,000 स्क्वायर फीट होगा। जी जी। दोनों डेयरी हमारी मिला के, दोनों प्लॉट है आपके? जी जी। जैसे कि मैं आपकी भेषभूषा देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप मालिक होंगे इस डेयरी फार्म के। अरे नहीं, मालिक की बात है भैया, काम तो करना ही पड़ेगा भाई। काम बगैर काम से जो है जानवर का काम है। इसमें तुम्हें गोबर उठाना, भैंस को चारा डालना, जो जानवर इतना दाना पाइए उसको दाना देंगे। अच्छा। तभी जो है मालूम हो पाएगा। तो आप जो है आप खुद काम करते हो? जी जी, खुद में काम करते हैं। हाँ। आपके फार्म में कितने वर्कर हैं? हमारे पास 5-6 लोग हैं। 6 लोग हैं? जी जी। 6 लोग लगभग 95 जानवरों को सब कर लेते हैं? जी जी जी। अच्छा, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लखनऊ में खासकर देख रहा हूँ, जो बड़े बड़े डेयरी फार्म है जी। तो एक वर्कर पे 10 एनिमल दे दिया, 15 एनिमल दे दिया? नहीं, हम लोग तो सब मिल के काम करते हैं भैया। अच्छा। तो 15 भी दूलिया, 18 भी दूलिया, 10 भी दूलिया। अच्छा। हम लोग मिलजुल के अपने काम क्या करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं जी। तो इतना आपके पास इतनी सारी भैंसे हैं, लगभग सब दूध वाली ही पालते हैं जी। तो कभी आपने ये नहीं प्लान किया कि मशीन ले लेते हैं, मशीन से दूध निकालते हैं? नहीं नहीं भैया, मशीन से नहीं, हाथ से काम कर रहे हैं अपना। हाथ से ही काम करते हैं? हाँ, रोज कमाना, रोज खाना अपने हाथ से कर रहे हैं। मशीन वशीन के लिए बड़ा पैसा होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो जैसे कुछ किसान भाई कहते हैं कामयाब है, कुछ कहते हैं नहीं। नहीं नहीं, मशीन हमने कभी यूज भी नहीं की। खैर। अच्छा, कभी यूज नहीं किया? हाँ, अपने हाथों से काम कर रहे हैं भैया, अपना हाथ जगन्नाथ जी, यही समझ के आप करवा रहे हैं। अपनी कलाई पे ताकत है, वही से कम काम करते हैं। अच्छा जी जी। आपके फार्म की जो जिसमें आपकी भैंसे बंधी हुई है जी जी, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? ये 70 फीट होगी लंबी भैया। अच्छा। और जो है लमसम 30 फुट चौड़ी होगी। 30 फुट चौड़ी होगी जी। तो जो आपने एरिया दिया है जी, जैसे इस पार भैंसे हैं, इस पार भैंसे हैं जी, तो 15-15 फुट है क्या जी? 15-15 फुट है क्या? हाँ, 15 जो आपकी नाली बनी हुई है बीच से, जिसमें आप दाना डालते हैं, पंद्रह पंद्रह फुट बांट रखा है जी जी। अच्छा है। तो इसे आपको जगह की तो कोई कमी नहीं है जी? जगह की तो आपकी कमी नहीं? नहीं नहीं नहीं। आपने कभी इनको खुला नहीं छोड़ा भैंसों को जी? भैंसों को खुला नहीं छोड़ा? नहीं नहीं, कभी खुला नहीं। ऐसा क्यों? खुला नहीं, खुला रोड है मेरा, करीब में रोड है, तो इसलिए जो है वहाँ नहीं छोड़ सकते। नहीं, फार्म के अंदर जैसे इतना स्पेस नहीं, है सामने, वहाँ पे नहीं खुला छोड़ा? कभी नहीं छोड़ा। अच्छा जी जी। तो यहाँ पे आपकी कितनी भैंसे बंधी हुई हैं? इसमें हमारी 50 भैंस है। 50 भैंसे बंधी हैं जी। लगभग 50 भैंसों जो आपने सेट बनवाया, लगभग कितना रुपया लग गया होगा? अरे बहुत पैसा लगा था भैया, तब भी 5 लाख रुपया लगा था। 5 लाख रुपया लगा था। तो आपने जो सेट बनाया है, लॉकडाउन के पहले का है या बाद का? ये पहले ही है, 4-5 साल पहले का लॉकडाउन। 4-5 साल के पहले का, लॉकडाउन के पहले का जी। तो जैसे मालिक साहब, आपने ही सारा कुछ बनाया, आपने एनिमल बढ़ाए हैं, पूर्वजों का केवल काम था जी, जी। बढ़ाया आपने ही है जी, जी। अब थोड़ा आपके पशुओं के बारे में बात कर लेते हैं जी। जब आप डेयरी फार्मिंग के सेक्टर में आए जी, तो आपके पास कितने पशु थे? मेरे पास तो बस 5-6-8 जानवर थे जब सबसे पहले। 8 ही जानवर थे जी जी। जैसे आपने बताया कि बाप दादाओं का काम है, तो ज्यादा भारी मात्रा में नहीं करते थे? नहीं नहीं, वो लोग पुरखा लोग थे, थोड़ा बहुत छोटा काम करते थे। हम जब डेयरी में आए तो थोड़ा हमें इसमें ज्यादा अपना अनुभव किया, और इधर उधर से अपने अच्छा। मैनेज करके अपने कारोबार को किया। तो जैसे आपके पास 8 जानवर थे, आप इस समय आपके पास 60-70 जानवर इस सेड में हैं, 20-25 उसमें हैं, तो लगभग 70-20-90-95 लगभग जानवर है आपके जी, पास जी, जी। इसमें से दूध देने वाले कितने हैं? दूध देने वाले लमसम सभी होंगे, कोई कम दे रहा, कोई ज्यादा दे रहा। दूध देने वाले ही रखते हो आप? जी जी। पेवर दूध यहाँ है, पेवर दूध का ही काम करते हैं जी जी। अच्छा जी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं आपकी जर्नी के बारे में। जैसे आपने बताया आपको लगभग 8 जानवर पुरखाओं से मिले, पुरखों से आपको हैंडओवर किए गए, मतलब दिए गए आपको पालने के लिए जी, जी। तो आप इतनी संख्या में कैसे पहुंच गए, लगभग कितने साल में ये हो पाया? अरे कम से कम 15-18 साल हो रहा भैया।
अच्छा। धीरे धीरे अपने कमाते रहे, करते रहे, लाते रहे, अपना यही जो है चलता रहा धीरे। अच्छा, लास्ट टाइम जैसे आपके पास अभी 95 जानवर है, जैसे एक फार्मर बता रहे थे आपके बारे में कि आप शायद 150 से 200 जानवर पाल चुके हो। जी जी पाल चुके। हाँ, ये लॉकडाउन की वजह से दिक्कतें हो गई। जो तो लॉकडाउन के पहले कितने जानवर थे आपके पास? 150 था। 150 था जी। तो आप इस साइड में और उस साइड में रखते थे? जी जी दोनों। अब इसको केवल इसी साइड में रख रहे हो? हाँ। तो लॉकडाउन में जैसे आपका सारा डेयरी फार्म है। हाँ हाँ, दूध शहर नहीं गया, दूध की बड़ी पोजीशन डाउन हो गई तो दूध नहीं बिक पाया क्या लॉकडाउन में? बिक नहीं पाया, 5 रुपया 8 रुपया किलो 10 रुपया किलो दूध बिका। ऐसे निकाल दिया जैसे निकलना था? जैसे निकलना था। अच्छा, शहर शहर पुलिस जाने नहीं दी, इसलिए जो है नुकसान हो गया। सब कच्चा कारोबार था। अच्छा जी, तो लॉकडाउन में नुकसान हो गया थोड़ा सा? नुकसान बहुत हो गया। मैं तो जानवर आपका बहुत ज्यादा होते बहुत ज्यादा होता। अच्छा, तो जैसे आप अभी भैंस पालन कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी मुसीबतें आई? अरे बहुत सी मुसीबतें आई भैया। अरे लॉकडाउन में तो ये है, हमारे जानवरों को चारा नहीं मिला, न दूध हमारा शहर जाने दिया, बहुत ही दिक्कतें पड़ गई। मेरे 10-10 दिन जानवर खड़े रहे, चारा पानी में नहीं पाए, यही सब मुसीबतें रही भैया। और इसी से जो है 10-10 दिन आपको भूसा ही नहीं मिला, दाना नहीं मिला, जानवर भूखे खड़े रहे, इसीलिए मेरे जानवर में बड़ा नुकसान हो गया मेरा। बहुत लंबे हम बिजनेस में नुकसान पे हैं। अच्छा, इस समय लंबे नुकसान पे हैं? जी जी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं दूध उत्पादन के बारे में। आपके अपने डेयरी फार्म में कितना दूध हो जाता है? अरे दूध हमारा लमसम हो जाता होगा 5-6 क्विंटल। जो भैंसे आपके दूध देना बंद कर देती हैं उनका फिर क्या करते हैं? वो बेच देते हैं किसानों के हाथ गाँव में। अच्छा। हाँ, वो पालते हैं जाके दोबारा, फिर जो है कम ज्यादा पैसे के लेके ले लेते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए जैसे भैंसों का मैंने रिकॉर्ड ये देखा, जैसे 3 महीना दूध दिया उसने तो 3 महीने के बाद तो प्रेग्नेंट हो जाती है। जी जी। तो 3 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे लगता है वो दूध देते देते 5-6 महीने की हो जाती है। हाँ हाँ, 5-6 महीने दूध देती है। हाँ, तो इसका जो है जो जैसे जो 4 महीना बचता है आपके पास तो उस समय पालते क्यों नहीं हो जानवर आप? अब जैसे यहाँ इतनी महंगाई दाने भूसे पे है तो गांव भेज देते हैं, वहाँ से तैयार होकर अपने जो है किसान लोग ले जाते हैं कम ज्यादा पैसे में, फिर वो लोग खिलाते हैं, खिला के यहाँ से ले आते हैं, हम ले लेते हैं। अच्छा, वही जानवर जाएगा वही फिर आ जाएगा जी, जी, हमारे पास आ जाए या कोई दूसरे के पास चला जाए, ऐसा तो है नहीं कि हाँ, जैसे पैसा जो देगा उसके जी, पास जी, आ जाएगा। अच्छा, लोग किसान को दे देते हैं, वही अपने कराते हैं, वही पालते हैं। तो इनको प्रेग्नेंट नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसा क्यों नहीं करते? प्रेग्नेंट ही नहीं करते ना, जब तक दूध देंगे तब तक रखेंगे, उसके बाद जो है किसान को दे देंगे, वो ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास हाई से हाई दूध देने वाली भैंस कितनी है? अरे 18 लीटर 16 लीटर। जैसे 18 लीटर वाली भैंस है वो दूध देना बंद कर दिया जी, तो उसको आप क्या रेट सेल करते हैं? अरे 50 की बिक गई, 80 की बिक गई, 70 की बिक गई, जैसे भी कोई रेट आ गया, किसान आ गया, बाकड़ी भैंस दे देते हैं, बाकड़ी भैंस को बेच देते हैं बिना प्रेग्नेंट हुई। फिर वो ले जाके गाँव में प्रेग्नेंट करता है, पालता है, फिर वो बेचता है। अच्छा जी, मैं आपका डेयरी फार्म देख रहा हूँ, वो वाला डेयरी फार्म आपका बहुत बेहतरीन बना हुआ है, और इस डेयरी फार्म में जैसे किनारे किनारे दीवालें हो गई, फिर उसमें आपने टीन डलवाया है जी। तो ये वाला फार्म पहले बना था या ये वो पहले बनाया था भैया? ना पहले जो है बनाया था आपने, धीरे धीरे वो भी बनाया, फिर नहीं, सबसे पहले आपने ये वाला डेयरी फार्म बनाया, फिर उसको उसको बनाया, वो बनाया। तो आपके पास जमीन घर की है, आपने खरीदा था? ये घर ही की, समझ लीजिए घर की, घर ही की थी जी जी। तो फिर इसके बाद आपने उसमें देखा कि फार्म बड़ा होना चाहिए? जी जी हाँ, जानवर बढ़ाने के लिए इसलिए हमने सोचा उधर बना लें। अच्छा, परिवार भी बड़ा है तो अपने सोचे कुछ लोग उसमें करेंगे, कुछ लोग इसमें काम करेंगे। हाँ, करेंगे भैंस का ही काम? भैंस का ही काम करेंगे। अच्छा, तो इसमें कितने जानवर है? अरे इसमें लमसम 20-25 जानवर होगा सब मिला के। भैंस है इसमें कुछ बंधी हुई है? हाँ हाँ, 2-4 भैंस है, गाय भी है। तो भैंसे कुछ डिवीजन बना के रखा है क्या, है कि इस जो दूध देने वाली है यहाँ पे रहेंगी? नहीं ये नहीं है सर, ये जानवर नए जैसे आते हैं 2-4 दिन इसमें रहते हैं, फिर उसमें चले जाते हैं, सेट हो जाते हैं। अच्छा, तो आप उसको दूध देने वाली ही रखते हो जी, जी। तो सारी दूध वाली रखते हो, ऐसे रख लेते हो जब कोई नया जानवर आता है तो उसको यहाँ पालते हो, जो नई ब्याई हुई आती है उसको यहाँ रखते हो? अच्छा जी, मैं आपके डेयरी फार्म में देख रहा हूँ भैंसे बहुत ज़्यादा है, गाय बहुत कम है, इसका रीज़न क्या है? गाय भैया नुकसान बहुत हो गया, गाय में बीमारी बहुत है, इसलिए गाय हम कम रखते हैं। अच्छा जी, तो गाय का दूध भी बेचने में दिक्कत आती होगी? हाँ, दूध भी दिक्कत होती है। अभी क्या रेट बेचते हो? 40 रुपए में बिकता है गाय का दूध, और 40 रुपए में जो बचता है मिला देते हो भैंस वाले में। हाँ। वो 50 रुपए के रेट से बेच देते हो। अच्छा, तो गाय पालन और भैंस पालन में क्या अंतर है, क्या समस्या? भैंस बाकड़ी भी बिक जाती है और बाद में गाय में बीमारियां बहुत होती हैं, इसलिए गाय का जो है देख रेख भी कम हो पाती है यहाँ, इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है लाइट वाइट की, और जो है इसलिए गाय कम पालते हैं। जो आपका सेट तो बना हुआ है 5 स्टार बोल सकते हैं, बढ़िया सेट बना हुआ है, 3 सेट तो बना हुआ है मिला जो है इतने और गाय। आपके फार्म का एरिया भी बहुत बढ़िया है जी जी, तब भी आप नहीं पालते गाय में, आपको मजा नहीं आता? गाय में नहीं मजा आता हमारा। आगे क्या प्लान है, भैंस बढ़ानी है गाय बढ़ानी? भैंस ही बढ़ाएंगे भैया। भैंस ही बढ़ाओगे? गाय नहीं बढ़ाओगे? नहीं। अच्छा, भैंस में आपका ज्यादा मन लगता है, तो आप भैंस लाते कहाँ से हो? भैंस पंजाब से लाते हैं, हरियाणा से लाते हैं, और कई जगह से लाते हैं, गाँव से भी लाते हैं। गाँव से भी लाते हैं? जैसे आपके डेयरी फार्म में आपने बताया 6 लोग काम करने वाले हैं जी, तो आप जाते हैं भैंस खरीदते? ज्यादातर हमें, हमारा बड़ा भतीजा जाता है, सुफील नाम है उसका। आप और आपका बड़ा भतीजा खरीदने जाते हैं जी? मेन काम वही देखता है। अच्छा, बड़ा भतीजा हमारा, सुफील नाम है उसका। अच्छा जी, वही देखता है।
वही देखता है, तो आप दोनों लोग चले जाते हो, अगर आपका टाइम रहता नहीं रहता तो जी, चले जाते हैं। हमें टाइम मिल गया तो हम चले गए, नहीं तो उसको टाइम लग गया वो चला। तो आप भैंसे कहाँ मंडी से खरीदते हो या किसानों से खरीदते हो? किसान से भी लेते हैं, मंडी से भी लेते हैं और हर जगह से ले लेते हैं। सबसे अच्छा कहाँ से रहता है, कहाँ से? सबसे अच्छा तो जानवर हरियाणा ही पंजाब का रहता है। अच्छा जी, जैसे आपने बताया आपके 95 जानवर है जी, तो आप इनका सूखा चारा कहाँ रखते हैं? सूखा चारा भैया अभी तो बाहर ही रखते हैं, अभी इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई। अच्छा हाँ, अभी तो आप स्टोर नहीं करते हो? नहीं, स्टोर नहीं करते भैया। हरा चारा क्या रखते हो? हरा चारा खिलाते नहीं उसे, वो कर्मी भी हरा चारा खिलाते हैं, बारिश में मिलती है। अच्छा, बारिश और गर्मी मिल जाता है तो खिला लेते हो? जी जी हाँ। तो भूसा और दाना? हाँ। सर आप अपने जानवरों को फीड में क्या खिलाते हैं? चारे में ना, दाने में? दाने में ना, चोकर खिलाते हैं, चूनी खिलाते हैं और खली खिलाते हैं, मटर की भूसी खिलाते हैं, यही चार चीज देते हैं जानवरों को अपने। अच्छा, तो मैं एक चीज आपसे गहराई में पूछना चाहता हूँ। जैसे यहाँ के डेयरी फार्म मैंने देखा, विजिट किया जी, तो क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे चोकर हो गया उसको फुलाते नहीं है जी, चोकर को जैसे मटर का छिलका हो गया जी, और आपका दाल की भूसी हो गई जी, जो अरहर की दाल की भूसी होती है जी, जी, उसको मिक्स करके फिर सूखा डालते हैं जी जी, तो फुलाते क्यों नहीं है? फुलाते नहीं, शुरू से ऐसे ही खिलाते हैं। जैसे आपके मैं डेयरी फार्म में देख रहा हूँ, गोबर पड़ा हुआ है, अभी जो है ट्रैक्टर आया है उसमें गोबर जा रहा है जी जी, मुझे लगता है 2-3 दिन का पुराना हो गया जी है। जी हाँ, लेबर थे नहीं, इस समय धान वान की कटाई चल रही, इसकी वजह से मेरे पास लेबर कम थे, तो अब आए हुए हैं, यही उठाएंगे धीरे धीरे काम करेंगे। अच्छा, गाँव से आपकी लेबर आती है? जी जी। तो आपका काम कब शुरू हो जाता है? सुबह 6 बजे चालू हो जाता है भैया। 6 बजे चालू हो जाता है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो उठ के? सबसे पहले उठ के जानवरों को चारा दाना पानी डालते हैं, फिर भूसा डालते हैं, दाना डाल के फिर बांधते हैं। अच्छा, फिर उनका दुहान चालू करते हैं, सबसे पहले खिलाते हैं, इसके बाद जो है जी दूध निकालते हैं, फिर इसके बाद जो है उनको खुला करके फिर छोड़ते हैं जी जी। अच्छा जी, जी। जैसे मैं कहीं कहीं देखा हूँ सर कि शाम को खुला देते हैं फिर सुबह खिलाते हैं, तो नहीं नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते? ताज़ा ही खिलाते हैं हम। ताज़ा ही खिलाते हैं जी। अच्छा जी, हम अपने पशुओं को जो है ताज़ा ही खिलाते हैं, अपने हाथ से डालते हैं, जो जानवर को जितना दाना चाहिए उतनी देते हैं। अच्छा जी जी। सर जैसे कि आपके फार्म में 95 जानवर हैं जी, जी पूरा अच्छे से केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, और लगभग आपके डेयरी फार्म में 5 क्विंटल दूध का उत्पादन होता है जी, जी तो लगभग कितना आपकी बचत हो जाती है? लमसम जो है 10,000 रुपया जो है बच जाता है भैया। 10,000 रुपया बच जाता है? कभी कम बचता है, कभी ज्यादा भी बचता, थोड़ा लगभग राउंड फिगर 10,000 बच जाता है। अच्छा, उनको सबको खिला पिला सारा कुछ? जी, सब लोग अपने मेहनत करते हैं, हम लोग 4-5 लोग घर ही के हैं, 2 लेबर हैं, घर वाले मिलकर करते हैं, तब जाके 10,000 रुपया बचता है जी, महीने का लगभग 3 लाख रुपए हो जाता है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतना अमूल्य टाइम निकालकर अपने डेयरी फार्म को विजिट कराया जी।